आलिया साहिबा, आपने भी सुना तो राणा साहब कह रहे हैं कि आगे चीज़ें इमरान खान साहब के लिए टाइट होने जा रही हैं। उनको पता है कि उनके लिए आगे मुश्किलात हैं, तो आपको भी इस बात का अंदाज़ा है अगर आगे मुश्किलात हैं तो फिर लॉन्ग मार्च आप लोग कर रहे हैं? इमरान साहब, मैं कुछ बातों पे ना, मुझे तो या आज ये लगा कि कल की मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही का ना एक, जिन्होंने जिसे क्या कह दें, ब्रीफ इन्होंने अभी पेश कर दिया, तो मैं उनको तो बड़ी अच्छी तरह जवाब दे रही हूँ, दे चुकी हूँ। इनको जरा मैं इनकी भी थोड़ी तबियत साफ कर दी। मरियम साहब जा चुकी है नंबर वन, 3 साल तक पासपोर्ट भी साफ ना करें, आप सवाल का जवाब दें। तबियत आपकी बड़े अच्छे तरीके से एक सेकेंड, मैं आपकी तबीयत साफ करने नहीं आया। माइंड योर लैंग्वेज, आप आराम से बात करें। मैं नहीं, आपकी तबीयत साफ करने आया, अभी करेंगे नहीं। आप कैसे तबीयत साफ करेंगे? वो मेरा मसला है ना, आप अपनी बारी पर बात करना। मैं लॉजिकल बात करूंगी, अपनी बारी पर बात करूंगा, लेकिन मैं बदतमीजी कर रही हूँ। आप लॉजिकल बात कर सकता हूँ। डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, आई विल नॉट बी स्पोकन टू इन दैट मैनर। राणा साहब का मौका दीजिएगा। आलिया साहिबा जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप इनको अगर जो है ना कुछ पता नहीं है तो खामोश हो जाए, बस इतना सिर्फ मैं इनको कहूंगी। यहाँ बैठकर औरतों के नाम लेना बड़ी अच्छी तरह आते हैं, जिनकी अपनी लीडर भागने में नंबर वन। नहीं नहीं, आप इमरान साहब मुझे नहीं टोकेंगे, आप मुझे नहीं टोकेंगे आप, इसलिए कि ये जो फरा गोगी इनको शर्म नहीं आती, उनका नाम फरा खान है। जब आकर ऐसी बातें करेंगे औरतों के सामने तो सुनेंगे भी, और इनसे पूछे कौन से 650 कनाल किसके नाम है, जरा लेकर आए कागजात। ये यहाँ पर टीवी पर बैठकर बातें करना बड़ी आसान है, फिर ये मुझे ये बताए कौन से 250 मिलियन डॉलर किसने मनी लॉन्ड्रिंग किया, क्या प्रूफ है आपके पास, प्रूफ लेकर आए। तोशाखाना की ये जो बात कर रहे हैं, यानी गाड़ियां ले जाने वाला बिल्कुल ठीक है, कालीन ले जाने वाला बिल्कुल ठीक है, जिनके ऊपर इतनी इतनी बीएमडब्ल्यूज हैं, और बगैर किसी प्रोसीजर के, बगैर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के, एक यहां पर प्रोसीजर भी पूरा होता है, हर चीज होती है, डॉक्यूमेंट्स में भी डिक्लेयर्ड है, टैक्स भी पे किया गया, और यहां पर आकर इनकी बातें सुने कि ये लोग क्या कह रहे हैं।